जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमारा कार्य, हमने आपके उपाय किए और हमारा कार्य पूरा हुआ। मैं आपको एक बात बिल्कुल पूरी तरीके से विश्वास के साथ बताती हूँ, यदि आप उपाय को पूरा विश्वास के साथ करते हैं, पूरी आस्था के साथ करते हैं, आपका कोई भी उपाय ऐसा नहीं जाएगा। यदि आपका कार्य सिद्ध हो रहा है, आप किसी कार्य में सफल हो रहे हैं, आप उसके पीछे का कारण नहीं समझ पाते, ये पक्की बात है कि आपने उसके लिए प्रयास किया होगा, कोशिश की होगी। लेकिन साथ में आप यदि कोई उपाय कर रहे हैं, एक तरह से यदि भाग्य में था आपके तो वो कार्य होना ही था, यदि भाग्य में नहीं था उसके बाद भी आपने कोई उपाय किया और वह कार्य आपका सिद्ध हो गया। जैसे अभी एक कमेंट्स पढ़ रही थी मैं बैठकर, उसमें लिखा हुआ था कि मैंने आपका यह उपाय किया और मेरा इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ था, मुझे लग रहा था कि मैं इस कर्ज को कैसे चुका पाऊंगा, लेकिन मेरा वह कर्ज चुक गया और इसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन जब मैं इसको पढ़कर बड़ा अच्छा लगा कि किसी का काम हुआ है और उसने मुझे बोला है कि मेरा कार्य हुआ। आप उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, सबसे बड़ा आपकी सफलता का कारण यही होता है। प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सफल हों उसमें। कहीं यदि आप अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, या उसके लिए कोई और उपाय कर कोशिश करते हैं, आपके हर कार्य सिद्धि होंगे, सफल ही होंगे, इस बात का बिल्कुल विश्वास बनाए रखें। जो मैं आज उपाय बताने वाले ही हूँ, आप जानते हैं खर मास चल रहा है और इसमें सूर्य नारायण की पूजा बहुत ही विशेष महत्व रखती है। लेकिन आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, कोई व्यक्ति पूरी तरह से सक्षम है, पैसा है उसके पास, धन है, लेकिन उसका सम्मान नहीं है, ये कारण हो सकता है। और इससे जो परेशानी व्यक्ति मनोमन झेलता है, जो उसकी मानसिक स्थिति होती है, उससे यदि आप दूर होना चाहते हैं, या कई बार होता है कि हम प्रयास बहुत करते हैं लेकिन पैसा हमें उतना नहीं मिल पाता, हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं, पैसा कमाने का पूरा प्रयास करते हैं, हर तरह की कोशिश, लेकिन उसके बाद भी हमें पर्याप्त पैसा नहीं मिल पा रहा और दिन व दिन हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। यदि ऐसी कोई समस्या है तो ये उपाय करने पर आपकी वह समस्या भी दूर होगी। आपको करना ये है कि पोष का रविवार, आप सभी जानते हैं कई लोग अलूने व्रत करते हैं, जो करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप व्रत के साथ ही आपको कोई अपनी मन्नत है या आपकी कोई विश है, कोई इच्छा है, वह आप पूरी कर सकते हैं। आप इसके लिए कोई उपाय भी कर सकते हैं। सूर्यनारायण की पूजा सबसे ज़्यादा, क्योंकि वह हमारे सामने समक्ष उपस्थित देव हैं और इतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने यदि सूर्यनारायण की पूजन की, कोई उपाय किया और आपको उसका फल नहीं मिला, प्रतिफल मिलता है और हमेशा आप जिस कार्य के लिए करते हैं वह कार्य आपका सिद्ध होता है। आप जो रविवार आ रहा है 25 दिसंबर, उसके दिन आप सुबह थोड़ा सा, और दिनों की अपेक्षा यदि आप लेट उठते हैं तो उस दिन थोड़ा सा जल्दी उठें और उसके बाद आप स्नान करके अपने घर की जो सफाई करते हैं वह पूरी करें, जो भी करते हैं आप अपनी दिनचर्या का कार्य करें और उसके बाद प्रयास ये करें कि सूर्य उदय होने के एक घंटे के अंदर आप यह कार्य कर लें। आप एक तांबे का कलश लें और उसे साफ स्वच्छ, बिल्कुल तांबा अच्छे तरीके से चमक जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सूर्यनारायण को लाल रंग की वस्तुएं बहुत ही पसंद है। जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया कि आप गुड़ डालकर जल में यदि समर्पित करते हैं तो एक विशेष फल मिलता है, आप लाल चंदन डालकर यदि सूर्यनारायण को जल अर्पित करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन आज जो मैं उपाय लेके जा आई हूँ वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल सिद्ध, आप जो भी कार्य करेंगे उसका बिल्कुल आपको उसका 100% रिजल्ट पॉजिटिविटी में ही मिलेगा। सबसे पहले आप जब कलश भरते हैं जल का, उस समय आप अपने मन की इच्छा सोचते हुए, मन की इच्छा कामना करते हुए आप जल भरें। उसमें आप एक काली मिर्ची वह डाल लें, काली मिर्ची का जो दाना होता है एक डाल लें, यदि आपके पास गुड़ है तो वह डाल लें, गुड़ हल्का पुष्प है तो वह डाल लें, और यदि लाल चंदन है तो वह डाल लें। इतना आपने कार्य कर लिया, आपको 7 काली तिल के दाने
मैं फिर से बता दे रही हूँ, काली तिल के दाने का ही विशेष उपाय है। ये सब सामग्री है जो डालने की बोली है। यदि आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालें। लेकिन आपको सबसे पहले जो उपाय करना है उसके लिए 7 तिल के दाने आपको हाथ में लेना है, मुट्ठी में ले लेना है, और जल समर्पित करें सूर्यनारायण को। उसके में उनके जो 2-3 मंत्र बता देती हूँ मैं आपको, जो उनसे सबसे ईजी लगे वह आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं, जाप कर सकते हैं, वह मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम रवाय नमः, या ओम सूर्याय नमः सहस्त्र किरणाय नमः। इस प्रकार आप इस मंत्र का जाप करें। और जो आपने जल समर्पित कर दिया उस समय आपको मंत्र जाप करना है। आपने जल समर्पित कर दिया उसके बाद जो आपने हाथ में 7 काली तिल के दाने लेके रखे हैं उन्हें हाथ में ले लें, मुट्ठी में अच्छे तरीके से बांध लें। यदि किसी कारण से आपके पास काली तिल के दाने नहीं हैं तो इस जगह आप 7 लाल मिर्च के दाने, जो सूखी लाल मिर्च होती है, उसके दाने ले सकते हैं। इन दोनों का एक ही रिजल्ट मिलता है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी जो सामग्री आपके पास हो वह ले सकते हैं। अपने मुट्ठी में अच्छे तरीके से बांधना है, दिखे एक भी दाना बाहर नहीं। उसके बाद अपने मन की इच्छा बोलें और जोर से सूर्यनारायण की तरफ उछाल दें कहते हुए। और एक बार जो जल आपने छोड़ा है उस समय उस जल का थोड़ा सा लेकर और अपने मस्तक पर, अपनी आँखों पर लगा लें। इतना कार्य आपको करना है। और इसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक आपको वहाँ प्रज्वलित करना है, जहाँ जल आपने सूर्यनारायण को चढ़ाया है वह घी का दीपक वहाँ जला दें और उसमें 1 लौंग डाल दें। इतना कार्य आपको करना है। आप देखना, आपने जिस भी समस्या के लिए, लेकिन बस आप एक ही कामना कर सकते हैं, एक ही मनोकामना कर सकते हैं। पोष के जो रविवार पड़ रहे हैं, इस रविवार आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या एक इच्छा के लिए, एक मनोकामना के लिए किया है, तो अगले रविवार को आप दूसरी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। या किसी कारण से इस रविवार को आप नहीं कर पाते हैं तो अगले रविवार को करें। लेकिन पोष के, जब तक पोष चल रहा है उसमें जो रविवार पड़ रहे हैं उसमें आप यह उपाय करते हैं, आपको इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कर देखें, लेकिन विश्वास के साथ। बिना विश्वास आपका कार्य पूरा तो होगा लेकिन विलम्ब हो सकता है। आप इन कार्यों को, इन उपायों को कर देखें। आप देखना, जो लंबे समय से आपके मन में इच्छा थी, कई लोग ऐसे हैं जिनका मकान नहीं बन पा रहा, कई दिनों से वो कामना कर रहे हैं, सोचते हैं लेकिन नहीं हो पाता। कहीं बिजनेस, कोई बिजनेस को, यदि कोई बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है और वह नहीं कर पा रहा है, किसी के बच्चों का विवाह नहीं जम पा रहा, योग नहीं आ पा रहे, ऐसे में यदि आप यह उपाय करते हैं। और जिस व्यक्ति को अपने मान सम्मान के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, वह व्यक्ति यदि ये कार्य करता है, ये उपाय करता है, तो 100% उसका वह कार्य अवश्य होगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।